पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला, धामी ने जताई खुशी। धामी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर उनके गांव में खुशी का माहौल, गांव वालों ने लड्डी बांटकर जताई खुशी, कहा हमारा लाडला बना मुख्यमंत्री। धामी के मुख्यमंत्री चुने जाने पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने जताई खुशी, कहा वो ईमानदार और कार्यकर्ता किस्म के आदमी, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे 2022 का चुनाव। और तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर बोले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कहा दोनों सीएम भले थे, दोनों को बीजेपी ने चौराहे पर खड़ा कर दिया। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आप उत्तराखंड में रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। देहरादून में शनिवार को ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कई नाम इस पद के लिए रेस में थे, जिनको पीछे करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने बाजी मार ली। आरएसएस के करीबी माने जाने वाले पुष्कर सिंह धामी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और इसके साथ ही वे दो बार अखटीमा से विधायक चुने जा चुके हैं। धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ धामी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। और हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। गणेश जोशी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं आज बड़ा फेरबदल हुआ और बहुत बड़ी तस्वीर ये देखने को मिली कि अब पुष्कर जी को चुना गया मुख्यमंत्री के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं आप? हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और आज एक पूर्व सैनिक का बेटा जो एक साधारण परिवार से आया हो वो आज इस प्रदेश का मुखिया बना है। नौजवान है जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। पूर्व में हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम किया है और विधायक के रूप में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और निश्चित ही उनके आने से नौजवानों को भी ऊर्जा मिलेगी। उत्तराखंड एक सैनिक बहाल प्रदेश है, सैनिकों को भी बहुत आशाएं उनसे हैं और आने वाले समय में उनके नेतृत्व में हमारी टीम मिलजुल कर काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में प्रदेश के अंदर बनेगी। 2022 को लेकर क्या लग रहा है कि किस तरह की तैयारी वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनौतियां उनके सामने हैं, समय बहुत कम उनके सामने है। नहीं देखिए, वो एक सैनिक का बेटा है और सैनिक हमेशा चुनौतियों का सामना करता है, कोई चुनौती नहीं है। आप देखिएगा 2022 को हम विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात करें, लगातार वो हमला कर रहे हैं, कांग्रेस हमला कर रही है, क्या लग रहा है कि हमलों से निकल करके वो अपनी पार्टी को एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे? दिल्ली के अंदर पड़े हैं नेता प्रतिपक्ष, उनका अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। वो किस मुंह से हमसे बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो एक लोकतंत्र है, पार्टी सर्वसम्मत से उनको आज विधानमंडल का नेता चुना गया। लेकिन गणेश जोशी जी, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं आपके, वो एकजुट हो पाएंगे ग्राउंड पर? जो लोग हैं उनमें यकीन कोई उदासी देखेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर भी युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है। मुख्यमंत्री युवा है, सैनिक के बेटे हैं, बिल्कुल निश्चित ही उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ये ईमानदार की उनकी जो छवि है, पूर्व सैनिक के बेटे हैं और साथ में जिस तरह की उनकी अपनी खुद की छवि, एक ईमानदार वाली छवि रही है। हाँ, दो बार से विधायक हैं और विधायक के रूप में एक ईमानदार छवि उनके क्षेत्र में आप जाए उन्होंने स्थापित की है, निश्चित उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन गणेश जोशी जी, आखिरी कॉमेंट के रूप में, जब शपथ ग्रहण होगा क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे? नहीं नहीं, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कब शामिल होते हैं, पिछली बार हुआ तब शामिल हुए, लेकिन हाँ हमारा शीर्ष नेतृत्व अधिकतर लोग
उसमें रहेंगे, वाराणसी से हम सब लोग एकजुट होके 2022 की तैयारी करेंगे। बिल्कुल एकजुट है उनका, अगर देखिए दूसरा कोई नाम ही नहीं आया, ये सर्वसम्मत है हमारे यहाँ, तो यही तो खासियत है हमारी पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके के इंसान हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 2022 के जो चुनाव होंगे उन्हीं की अगुवाई में लड़े जाएंगे, युवा चेहरे हैं, पूर्व सैनिक के बेटे हैं, और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि उनकी जो ईमानदार वाली छवि है वो प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगी, साथ में एकजुटता के साथ में 2022 की तैयारी करने की बात भी गणेश जोशी जी ने कही है। वहीं आपको यह भी बता दें चले कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में स्थिति देखने को मिल रही, और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से पुष्पर सिंह धामी का नाम चुना गया और वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, और इसके साथ ही आपको ये बताते चले कि उनके जो परिजन थे, उनके जो समर्थक थे, उन तमाम लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला, लेकिन साथ में जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो विधायक हैं, उनमें भी खासा खुशी देखने को मिली, उनकी छवि को लेकर खासतौर पर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, पूर्व सैनिक के बेटे हैं, जिस तरीके से एक छोटे परिवार से आते हैं, माध्यम वर्ग से आते हैं, जिस तरीके से उन्होंने विधायक होने के नाते काम किया उसको लेकर लगातार अपनी बातें लोग कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं धामी के परिजन भी खासा खुश हैं। धामी के परिजनों को जैसे ही उनके मुख्यमंत्री बनने की खबर मिली सभी लोग खासा खुश नजर आए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज उनके पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने भी मुख्यमंत्री चुने जाने पर बीजेपी के आलाकमान का आभार जताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके पति पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बता दें कि देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मोहर लगी। धामी को भगत सिंह कोश्यारी का बेहद करीबी माना जाता है, वो आरएसएस की पृष्ठभूमि के नेता हैं। राजनीति के शुरुआती दौर में वो एबीवीपी के कई अहम पदों पर रहे हैं। धामी दो बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, याद आ रही है। तो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं धामी जी, तो क्षेत्र का विकास भी होगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का, और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवतों की जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से दो बार के यहाँ का विधायक बनाया, और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे, और क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। जैसे ही खबर खाटीमा विधानसभा में पहुंची तो सभी गांववासियों में खुशी देखने को मिली। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर और पटाखे जलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान गांववासियों ने कहा कि आज हमारे इलाके में सभी लोग खुश हैं क्योंकि हमारे यहाँ का कोई लाडला मुख्यमंत्री बना है। क्या कुछ उन तमाम लोगों ने कहा, सुनते हैं। आज हमारे सभी गाँव वालों को बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे बीच से इस सीमांत क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री बने, और उनका आज ये उनके हमारे ताऊ जी का जो सपना था आज जाके पूरा हुआ है मुख्यमंत्री बनने का, और हमारे बीच से ही निकले हैं और यहीं इसी लोकल में इधर पड़े हुए हैं, और आज बहुत ज़्यादा खुशी है सभी लोगों के, और सारे उत्तराखंड वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद। बहुत ही खुशी की बात है हमारे गाँव से प्रधान मुख्यमंत्री बन गए, इससे और बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है गांव के लिए। बहुत बड़ी
बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद पर्यवेक्षकों के रूप में पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सभी की सहमति से पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सभी के संपर्क में हैं और शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। मंडल दल के नेता पद के चयन के लिए विधायक दल की बैठक श्री मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर धामी जी को विधायक दल के नेता पद के लिए चुना गया। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास गए और उनको आग्रह किया कि वो हमारे नए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब लोग राजभवन के टच में हैं। कल शपथ हो इस प्रकार की रचना बनी और समय और बाकी सब चीजें राजभवन से मिलकर ये लोग तय करेंगे और दिल्ली में भी पार्टी के बड़े नेताओं से मेरे जाने के बाद आप सब लोग बातचीत करेंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ ग्रहण में आएंगे? देखिए, दरअसल क्या है, कौन कब आएगा अभी मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी नेताओं से बात करेंगे और जब नेताओं का कार्यक्रम तय होगा तो आपको अवगत कराएंगे। 2022 से पहले किस तरीके से आप देखते हो चेहरा बदला है? 2022 से पहले 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आया। वहीं पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री चुने जाने पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने खुशी जाहिर की। भट्ट ने कहा कि वो एक कार्यकर्ता आदमी हैं और पार्टी 2022 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। निर्णय लिया है, बहुत ही सभ्य है, डाउन टू अर्थ है, बहुत विनम्र है, ईमानदार व्यक्तित्व है, इसी की हमको अपेक्षा थी और वो आज यहाँ पर पूर्ण हुआ है। पूरी तरह से 2022 में हम पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं। नहीं, पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ता हैं और वो पहले इस प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह गए हैं, इस समय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो कांटों का ताज हो या फिर ना हो, ये तो पार्टी हमारी सामूहिक दायित्व उत्तरदायित्व निभाती है। कांटों का ताज तो मैं समझता हूँ किसी भी माने में नहीं है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको देव तुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। जब चुनाव आएगा, चुनाव का बाजा बजेगा, तो एक एक आदमी हाथ में झंडा लेके गांव गांव गली गली में जाके अपनी बातों को कहता है, क्योंकि हमने इतने अच्छे काम किए हैं, देश में इतने अच्छे काम किए हैं। फिर हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आप सब जानते हैं, क्रिस्टल क्लियर, इतना साफ सुथरा उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका कृतित्व। लोगों ने इस वक्त कोरोना के समय में बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो ग्लोबल नेता के रूप में स्थापित हो, तो इसलिए कहीं से कहीं तक कोई कष्ट नहीं है। कमेंट लोग करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, पार्टी का आंतरिक मामला है। कौन सैनिक सीमा पर जाएगा, कौन मैदान में रहेगा, कौन सीमा के सैनिकों की रक्षा करेगा, कवर करेगा, उनकी सहायता करेगा, ये सर्वोच्च कमांडर का दायित्व है और वही हमारे वहाँ हुआ है। उसी तरह से हमारी पार्टी भी काम करती है और विधान मंडल दल ने जो आज निर्णय लिया, ऐतिहासिक लिया, एक यंग व्यक्ति को हमको दिया है, हमको बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलकर भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्हीं का नेतृत्व रहता है, इसमें बिल्कुल नेतृत्व उनका रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। सामूहिक नेतृत्व होता है, हम सब उनके पीछे जुड़ जाएंगे उनके साथ। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि धामी एक कर्मठ और अच्छे कार्यकर्ता किस्म के इंसान हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है
और पार्टी के सभी विधायकों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर फैसला किया है, स्वागत योग्य है। और एक अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता इस काम में लगेगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को हम अच्छा से अच्छा डिलीवर करने में। ऐसा है कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं ऐसी बात करने का। जो पार्टी पिछले 2 साल से अपने नेशनल प्रेसिडेंट का निर्णय नहीं ले पाई कि कौन है या कौन रहेगा, वो पार्टी हमसे प्रश्न कर रही है, भारतीय जनता। उत्तराखंड का नए मुख्यमंत्री पर मोहर लग चुकी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इससे पहले तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भले आदमी हैं, लेकिन बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। हरीश रावत ने कहा कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से उपचुनाव नहीं हो सकते और संवैधानिकता बाध्यता के कारण मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इसी कोरोना काल में सल्ट में भी उपचुनाव हुआ, मुख्यमंत्री वहां से भी चुनाव लड़ सकते थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कहीं और से भी विधायक का इस्तीफा करवा करके वो चुनाव लड़ सकते थे। कानून की पूरी जानकारी न होने, और आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा कि मुगालते में रहने की वजह से राज्य के ऊपर एक और मुख्यमंत्री थोप दिया गया है। 5 साल में बीजेपी 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दे चुकी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदल दिया है। इसे लेकर सभी पार्टियां बीजेपी को घेरने में लगी हुई हैं। इसीलिए को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों के अंदर वे अपने मुख्यमंत्री को बदलने में ही लग गए, जबकि उनके पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं था। ये लोग उत्तराखंड का क्या विकास करेंगे? आज उत्तराखंड विकास के नाम पर केवल छलावा ही रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं, विकास, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है, लेकिन बीजेपी सरकार अपने मुख्यमंत्रियों के बदलने का खेल करती आ रही है, क्योंकि उनके पास कोई भी समक्ष चेहरा नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार जो है मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है आज की तारीख में। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा सरकार को उत्तराखंड में एक भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो सही तरह से नेतृत्व कर सके उत्तराखंड का। प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोरोना काल से ग्रसित लोग जो हैं आज भी स्वास्थ्य की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके लिए त्रस्त हो चुके हैं, और भाजपा पूरी तरह विफल रही है एक कुशल नेतृत्व देने के लिए। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं। बजाय उत्तराखंड के विकास पर बात करने की बजाय पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बदलते रह गए, और एक के बाद एक बाउंसर देने का काम किया है भाजपा के मुख्यमंत्री ने। चाहे वो फटी जीन्स हो, चाहे वो कोरोना एक प्राणी है और उसको जीने का अधिकार हो, और इसके अलावा और भी कई ऐसे बयान दिए कि जिससे एक पूरा उत्तराखंड पूरे देश के सामने एक हंसी का। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर राजनीति जारी है। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे लेकर अब लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस जब खुद सत्ता में थी तब उन पर खुद खरीद और फरोख्त के आरोप लग रहे थे। बीजेपी में सेना जैसे रूल्स हैं, किसे कहां लगाना है वो देखा जाता है। जनता की बेहतरी के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, और पिछली बार हमने जितनी सीटें जीती थी उससे भी ज्यादा सीटें हम इस बार जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट लेने की हमको कांग्रेस पार्टी से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में उत्तराखंड में थी, विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हुई और मंत्रियों की तरफ से हम मुख मोड़ लेंगे, जितना धन मंत्री कमाना चाहे कमा लें, इस तरह की जो बात कही वो कांग्रेस के जमाने में कही, उनके जिम्मेदार लोगों ने कही, उनको कोई प्रश्न करने का हक नहीं है। हमारे यहां बिल्कुल आर्मी जैसा पैटर्न है, जैसे सर्वोच्च कमांडर किसको किस समय सीमा पर लगा देते हैं और उसके पीछे कब पहुंच कर दें ताकि वो उसको कवर करते रहे,
जरूरत पड़ी तो कवर फायर करके उसको फायर भी कर दे। तो इस तरह से जैसे होता है उसी तरह से हमारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सेना की तरह से है। तो किसकी ड्यूटी यहाँ लगाते हैं, किसकी ड्यूटी वहां लगाते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए ही कमांडर सीमा पर सेना को भेजते हैं। उसी तरह से पूरे देश की सीमा, प्रदेश की सीमा जो हमारी है, इसकी सुरक्षा करना, यानी कि यहाँ की जनता की सुरक्षा करना, उनकी बेहतरी का ख्याल रखना, ये पहला हमारा कर्तव्य है। जनता की सुरक्षा और बेहतरी में कहीं पर भी कमी नहीं आने दी जाती है, ये पहला भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत। मैंने कहा ना कि कांग्रेस, मैंने कह दिया ना कि हम जितनी सीटें पिछली बार लाए थे, यानी कि 57 सीटें, उससे भी ज्यादा सीटें इस बार लाएंगे कांग्रेस को मार्च में जिस समय वोटिंग। उत्तराखंड की सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्र बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर वादा निभाओ बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाओ के नारे से बिंदुखत्ता से लेकर लालकुआ तक पैदल यात्रा करते हुए तहसील पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने का वादा किया था, जिसको लेकर बीजेपी सरकार जिसे भूल चुकी है। यही नहीं, चार साल से ISBT का निर्माण भी अधर में लटका हुआ है। यही नहीं, लालकुआ को मालिकाना हक दिलाए जाने का वादा और लालकुआ बाईपास का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार को जगाने के लिए आज पदयात्रा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, जिसमें हमारे आंदोलनकारी साथी थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाया है, आज उनको जो यहाँ सरकारी सेवाएं दी जाने की बात हुई थी, आज उनको उसमें आरक्षण मिलना था, लेकिन आज तक 2011 से प्रकरण चल रहा है जिसमें आज हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। इसका मेन कारण यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने इन तथ्यों को मजबूती से नहीं रख पाई, हमारे आंदोलनकारी को न्याय नहीं दिला पा रही है, वो कल आम आदमी को न्याय। उत्तराखंड के लालकुआ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में सरकार के खिलाफ रैली निकालते हुए शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता दीपक पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों को और आम जनता के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारे शहीदों और आंदोलनकारियों का बलिदान भूला नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी ने आंदोलनकारियों के अधिकारों पर लगातार चोट की है। आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में दिए जा रहे आरक्षण का जो मामला साल 2011 से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चल रहा था, बीजेपी सरकार की असंवेदनशीलता और लचर पैरवी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा मार्च 2018 में उस आरक्षण को निरस्त कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार को इस आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए विधानसभा में कानून बनाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा न करके आंदोलनकारियों के हक पर बड़ी चोट की है, जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, जिसमें हमारे आंदोलनकारी साथी थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाया है, आज उनको जो यहाँ सरकारी सेवाएं दी जाने की बात हुई थी, आज उनको उसमें आरक्षण मिलना था, लेकिन आज तक 2011 से प्रकरण चल रहा है जिसमें आज हाईकोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। इसका मेन कारण यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने इन तथ्यों को मजबूती से नहीं रख पाई, हमारे आंदोलनकारी को न्याय नहीं दिला पा रही है, वो कल आम आदमी को क्या न्याय दिला पाएगी। जिन्होंने ये उत्तराखंड को बनाया, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को बेघर कराया, यहाँ पे इतने लोगों ने जिन्होंने मिलकर आज उत्तराखंड बनाया, जिन्होंने आज हमें सम्मान दिया उत्तराखंड बनाने का, और आज जो बीजेपी सरकार यहाँ बैठ के सही अपना चला रही है शासन, उनके बदौलत आज ये उत्तराखंड वासियों को। बता दें कि लालकुआ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी रहे, उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को बीजेपी की सरकार भुलाने का काम करे। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है और 2022 के चुनावों की तैयारी में जुटी है, तो इस बीच अलग अलग तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बार बार आम आदमी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये था, जहां पर किस तरीके से आपको बता दें कि एक बार फिर से कि उत्तराखंड के लालकुआ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में सरकार के खिलाफ रैली निकालते हुए शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता दीपक पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों और आम जनता के जो लोग हैं उनका कोई भी काम नहीं कर रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारे शहीदों और आंदोलनकारियों का जो बलिदान है उसे भुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इसे भुला नहीं सकते हैं।
लेकिन बीजेपी ने आंदोलनकारियों के अधिकारों पर लगातार चोट की है। आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में दिए जा रहे आरक्षण का जो मामला है, 2011 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चल रहा था। बीजेपी सरकार की असंवेदनशीलता और लचर पैरवी की वजह से वो वहां पर हाईकोर्ट में उसको खत्म कर दिया गया। 2018 में उस आरक्षण को निरस्त कर दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड में 18 जून को आई भारी बारिश थरावली के बाशिंदों पर आफत बनकर बरसी। पिंडर नदी के किनारे पर बसे थरावली बाजार के अस्तित्व को 18 जून को आई भारी बारिश के बाद खतरा पैदा हो चुका है। दरअसल भारी बारिश के बाद जहां पिंडर नदी के बढ़े जलस्तर के बैनोलो के बस्ती तोल और इसके साथ ही तराली के नासिर बाजार के ठीक नीचे पिंडर किनारे बनी बाढ़ सुरक्षा दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं अब यहीं की जो आबादी पर भूस्खलन का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। वहीं पिंडर नदी के दूसरे छोर पर थराली का मुख्य बाजार टिका हुआ है, जहां 18 जून को पिंडर नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिंडर नदी का पानी यहां पर बनी दुकानों की जो नींव से ऊपर पहुंच गया, जिसके चलते व्यापारियों ने खतरे का अंदेशा जाहिर करते हुए अपनी दुकानों को खाली करवा दिया। वहीं पिंडर किनारे बसे परिवारों को अब तक पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने पर उनके घरों में छोड़ने के लिए मजबूर होने पड़ रहा है। और इसके साथ ही अब ऐसे में तमाम लोगों ने सरकार और प्रशासन से मानसून के बाद बाढ़ सुरक्षा के कार्य कराए जाने की मांग की है, जिससे कि हम लोगों को रात को बरसात की रातों में जागकर रातें काटनी पड़ती हैं, दुकानें अपनी शिफ्ट करनी पड़ती हैं। जो आवासीय परिवार हैं वो रात भर टेंटों के सहारे जो है कि अपना जीवन बसर करते हैं। रात को जो दीवारें यहाँ पे दिखती क्या पर्याप्त नहीं है? दीवारें बिल्कुल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक एक पलम खाली नाम के लिए सरकार द्वारा बना दिए गए। फुल का अपार्टमेंट तो बना दिया गया, लेकिन जो आवासीय परिवार हैं उनके लिए खतरे की स्थिति जस की तस है। एक पुल के अपार्टमेंट में एक पहले पानी की निकासी के लिए एक गुम्बद टाइप का द्वार हुआ करता था, लेकिन वो भी अब बंद कर दिया गया, जिससे पानी का घुमाव होता है। और देहरादून को क्षेत्र में हुई बरसात के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया और थराली की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा दीवार 2014 में सिंचाई विभाग के द्वारा लगवाई गई थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। और अगर हम कहें कि थराली नगर पंचायत की एक बड़ी आबादी जहाँ रहती है उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। और इसी सुरक्षा दीवार को 2014 में बनवाया गया था, लेकिन अब ये क्षतिग्रस्त हो गई है। और इस सुरक्षा दीवार के क्षतिग्रस्त होने से जहाँ थराली बाजार, शिव मंदिर और आसपास के क्षेत्र को जल भराव का खतरा हो गया है। यहाँ पे दिक्कत है, सारी बरसात में तो सारी दुकानें खाली करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री के भीतर घोड़े में कहते काम हुआ नहीं। अरे आप देखिए हम उनके सारे सुरक्षा दीवारे जो है दुकान हमें दीवारे के लिए दिक्कत है। हरिद्वार की पौराणिक हर की पैड़ी की काफी मान्यता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थान मौज मस्ती का अड्डा बनती जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कुछ लोगों की मस्ती देखने को मिल रही है और देर रात तक यहां पर पिकनिक मनाते नजर आ रहे हैं। यहां पर स्पीकर लगाकर पार्टी की जा रही है। बता दें कि अब लोग यहां पर माँ गंगा और हर की पैड़ी की मर्यादा भूलते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कुछ लोगों की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियमों की उल्लंघना करने वाले लोगों के चालान काटे, लेकिन साथ में आपको यह भी बता दें कि तस्वीरें अब हर रोज देखने को मिलती हैं, जिसके चलते वहां पर सनातन जो संस्कृति है उसको भी चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यहां पर जो लोग आते हैं वो यहां पर मस्ती करते नजर आते हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।